हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वाटर कलर टेक्निक्स। वाटर कलर पेंटिंग्स बहुत कॉमनली बनाई जाती हैं, लेकिन उनको बनाने में कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ मटेरियल्स नीडेड होते हैं, जिनके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले वाटर कलर पेंटिंग के लिए अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो या फिर बेटर पेंटिंग का रिजल्ट चाहते हो, तो आपको वाटर कलर शीट यूज करनी चाहिए। ये वाटर कलर शीट है 100% कॉटन, 300 GSM वाली। अब जरूरी नहीं कि आप हमें सारे यही बाय करो, लेकिन इसको नॉर्मल प्रिंटिंग शीट पे नहीं कर सकते। ड्राइंग शीट या थोड़ी सी अगर थिक शीट होती है तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग में हम लोग पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी शीट पतली है तो आपका शीट खराब होने के चांसेस रहते हैं, वो क्रम्बल हो जाती है। दूसरी चीज़ ऑफकोर्स आपको जो चाहिए वो पानी है, तो इस तरह से मैंने इस कप में पानी ले रखा है। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सी अगर आपको लगता है कि पानी गंदा है तो 2 से 3 कप्स भी रख सकते हो, दैट्स वेरी हेल्पफुल। देन कमिंग ऑन टू वाटर कलर्स, ये मेरे पास है कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर्स, असॉर्टेड शेड्स, 24 शेड्स के पैन कलर्स हैं। पैन कलर्स हम किसको बोलते हैं, जिस तरह से पैन में आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी वेरिएशंस होते हैं, लाइक ये जो है ये आर्टिस्ट वेरिएंट्स में भी आते हैं, स्टूडेंट वेरिएंट्स वाले थोड़े से कम पिगमेंटेड होते हैं, देन प्रोफेशनल वाले और भी ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जितना प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप कोई भी वाटर कलर से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा पैंस के अलावा वाटर कलर्स ट्यूब्स में भी आते हैं, तो वो ट्यूब कलर्स में भी आप उनको निकालोगे किसी पैलेट में और उसमें पानी ऐड करके यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप पैंस यूज़ कर सकते हो। देन आपको ब्रशेस चाहिए होते हैं ऑफकोर्स, राउंड या फ्लैट, जो भी आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूजुअली इसके अंदर राउंड वाले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जस्ट क्योंकि उसमें थोड़ा सा ईजी कंट्रोल रहता है व्हेन आई एम मेकिंग सम फिगर्स। बेस वगैरह के लिए मैं फ्लैट यूज़ करती हूँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग्स। अब कुछ बेसिक टेक्निक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वाटर कलर की बेसिक टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। अब वाटर कलर शीट अगर आप यूज़ करोगे तो आप पानी ज़्यादा भी यूज़ करोगे, तो आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम वेट ऑन वेट टेक्निक की बात करते हैं। वेट ऑन वेट क्या होता है कि जिसमें आपको जो भी बनाना है उससे पहले आप शीट को वेट कर लेते हो। जैसे मैंने इस पर, यहाँ पर ये शीट ली, इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ऑलरेडी। अब इसके ऊपर मैंने अपना वाटर कलर ऐड करना है, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, मैंने इस पे शीट को वेट कर लिया है, एंड दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर कलर से, मैं ये ब्लू कलर ले लेती हूँ इसको। अब कोई भी जब हम वाटर कलर यूज़ करते हैं तो उसको पहले डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैंने वाटर में ऐड कर दिया। अब आपको कितना ज़्यादा पिगमेंटेड चाहिए या कितना कम पिगमेंटेड चाहिए वो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पिगमेंटेड चाहिए तो मैं इसके पिगमेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी, इसमें इस तरह से ऐड कर लूँगी। अगर आपको बहुत लाइट चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा सा पिगमेंट और बहुत सारा वाटर होगा। अब ये क्योंकि वेट ऑन वेट है, तो आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने पानी उस पर लगा दिया था। अब उसी के ऊपर जब मैं इसको स्प्रेड करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली पूरे पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से, एंड इसका कलर जो डाइल्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सो ये इस तरीके से कर लिया मैंने। अब वेट ऑन वेट के अंदर ही अगर मैंने बहुत एक्सेस वाटर इसमें लिया से इस तरीके से, और पिगमेंट को भी मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कर लिया, क्योंकि पहले हमने पिगमेंट को काफ़ी डार्क रखा था, उसमें कलर काफ़ी था, अब मैंने इसको भी बहुत पतला कर लिया, आप देख सकते हो। अब इस डाइल्यूटेड वाटर को मैंने इसके ऊपर डाला, तो ये देखो अपने आप स्प्रेड होता है। तो ये भी एक वाटर कलर टेक्निक का इफेक्ट है, आप ये देखिए। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने आप पानी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। अब वेट ऑन वेट टेक्निक और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वेट ऑन वेट में थोड़ा सा आपका कलर पर कंट्रोल कम रहता है, लेकिन अभी अगर मान लीजिए मेरे को कोई लीफ बनानी है, तो मैं इसके अंदर इसके ऊपर एक लीफ की शेप दे दूँगी पानी से। ऑलरेडी ये मैंने पानी से एक लीफ बना ली, ऑफकोर्स वो अभी ऐसे नहीं आपको दिख रही होगी। देन मैंने कलर लिया, अब इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा कलर इसमें डायरेक्टली ले लिया है बिना डाइल्यूट किए, इस तरीके से बस थोड़ा सा इस पर पानी ऐड करके पिगमेंट लिया और ये इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वो लीफ की शेप में स्प्रेड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, वो सिर्फ उतनी ही जगह पर स्प्रेड होगा जहाँ ऑलरेडी पानी था, एंड इसमें भी ये इफेक्ट आ गया है। इसमें लेयरिंग भी हम लोग करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अब अगेन से मैंने इस तरीके से एक लीफ क्रिएट कर ली, दैट इज़ वाटर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिगमेंट ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से वेट पे पिगमेंट हमेशा स्प्रेड करता है।
अभी मैंने डायरेक्टली पिगमेंट ऐड किया था, इसके ऊपर मैंने वाटर नहीं मिलाया था इस कलर में, तो ये डार्क आ गया है। सो ये है हमारी वेट ऑन वेट टेक्निक, जिसमें हम लोग पहले पेपर पे भी पानी रखते हैं एंड उसके बाद में हमारा जो पिगमेंटेड कलर है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, ऑफ कोर्स केक्स होंगे या इवन ट्यूब कलर्स होंगे तो आप थोड़ा वाटर उसमें ऐड करोगे। सो दिस इज नोन एज वेट ऑन वेट टेक्निक। देन नेक्स्ट इज वेट ऑन ड्राई। वेट ऑन ड्राई इज कि हमारी शीट ड्राई है लेकिन जो कलर हम यूज कर रहे हैं वो हम वेट करेंगे। सो इससे मैंने ये ग्रीन कलर ही वापस से लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर क्योंकि कुछ भी नहीं है पहले पानी वगैरह, तो मैं जैसे बनाऊंगी कंप्लीट कंट्रोल है मेरा हैंड का, मैं जो डिजाइन बनाऊंगी ये डिजाइन वैसा ही बनेगा। इसमें देखो कलर कहीं भी स्प्रेड नहीं हो रहा है। इसी को अगर मैं इस तरीके से लीफ बनाऊं तो ये कलर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हो रहा है, जहां पे मेरा ब्रश चलेगा ये वहीं पे। तो हम लोग ये टेक्निक भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा एज अ बिगिनर, हम लोग वेट ऑन ड्राई ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम लोग पेपर पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं और अपने पिगमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से, अब अगर आपको इससे लाइट रखना है तो आप क्या करोगे अपने कलर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लोगे। लाइक मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेती हूँ और इसी को डाइल्यूट कर लेती हूँ। अब बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में आ गया ये कलर, बट यहाँ मेरा शीट पे कोई भी पानी ऑलरेडी नहीं है तो ये देखो ऑटोमेटिकली लाइटर शेड आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप, लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है वाटर कलर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसपेरेंसी, कि जब भी हम लोग जैसे नीचे से ट्रांसपेरेंट जितना ज्यादा होता है उतना वाटर कलर्स अच्छे लगते हैं। एंड इसमें लेयर्स करके हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर लेयर बिल्डअप करके कलर बिल्डअप करना शुरू करते हैं। अब से मैंने इस तरीके से पहले ये एक लीफ बना ली है ऑलरेडी। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेयरिंग के। फर्स्ट तरीका है कि आपने इसको वेट के ऊपर ही थोड़ा सा लेयर कर दिया, ये ऑलरेडी वेट है, इसी पे मैंने थोड़ा पिगमेंट लिया और इसको लेयर कर दिया। तो इसमें क्या है, वेट के ऊपर करने से वो थोड़ा अपने आप स्प्रेड होता है। अब आप देख सकते हो मैंने ब्रश यहीं तक किया था लेकिन वो ऑटोमेटिकली आगे भी स्प्रेड हुआ है। ड्राई के अंदर आपका फुल कंट्रोल रहता है, जैसे ये ऑलरेडी लीफ सूख चुकी है तो इसको मैं इस तरीके से करूंगी तो मेरा पूरा कंट्रोल है, जहां पे मैं लेयर करना चाहती हूँ वहीं पे लेयरिंग होगी, जहां पे मैं नहीं उसको लेयर कर रही वहां नहीं होती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब हम लोग वाटर कलर पेंटिंग में किस तरह से कलर के डिफरेंट डिफरेंट टोन्स लेके आते हैं उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं डार्केस्ट शेड से स्टार्ट करना चाहूँ तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं मैक्सिमम पिगमेंट विद लेस वाटर। अब ये बिल्कुल ड्राई है, मैं ड्राई के ऊपर कर रही हूँ, ये मैंने लिया, ये मेरा कलर आ गया इस तरीके से। अब इसी में अगर मैं पानी और ऐड कर दूंगी तो वो लाइट हो जाएगा उससे, ये आप वेरिएशन देख सकते हो। अब अगर मेरे को इससे भी लाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसी में और पानी ऐड करूंगी। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टोन्स क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कलर में पानी ऐड होगा उतना ही कलर लाइट होता जाएगा, जितना कम होगा उतना ही कलर आपका डार्क रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वाटर कलर में टेक्सचर्स बहुत इजीली क्रिएट हो सकते हैं। तो टेक्सचर्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसमें वेट ऑन वेट वाली टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा शीट लिया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द शीट पे ये पानी स्प्रेड कर लिया है एंड काफी ज्यादा पानी स्प्रेड किया है इस तरीके से, और इसमें मैंने डाइल्यूटेड कलर ऐड करना है। डाइल्यूटेड मतलब कलर में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी होना चाहिए, और इसको सिर्फ डैब 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 करना है आपको, ये अपने आप स्प्रेड होने देना है। सो दिस विल क्रिएट अ टेक्सचर। अब इसके बाद में जब आपने एक बेस बना लिया, डायरेक्ट पिगमेंट लेनी है अपने ब्रश पे और कहीं कहीं बीच में इस तरीके से डैब कर देनी है। सो ये आपका टेक्सचर क्रिएट हो गया। इस तरीके से बहुत इजीली वाटर कलर से आप कोई भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो वाटर कलर टेक्निक के अंदर कि आपके कलर्स एक दूसरे में मर्ज हो, जो मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, तो वो किस तरीके से मर्ज होते हैं, ये मैंने कलर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले
आपको जो भी कलर्स लेने हैं मैंने डाइल्यूटेड फॉर्म में रख कर लेने हैं, उसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड हर कलर होना चाहिए, बिल्कुल पैन फॉर्म में तो ऑफकोर्स यूज नहीं हो सकता है। और ये इस तरीके से मैंने ले लिया। अब अगर पहले नीचे मेरा ड्राई है तो उस पर कलर मर्जिंग ज़्यादा ईजी रहेगी ऑफकोर्स, अगर आप किस तरह का काम करें उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मर्ज करना है, बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं देनी है, अपने आप उसको कलर को अपनी शेप लेने देनी है, तब आप वेट पे भी कर सकते हो। अभी ड्राई पे करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने पिंक शेड ले लिया है, काफ़ी पिगमेंटेड उसमें लिया है और पानी भी बहुत ज़्यादा इसमें एडेड नहीं है। उसके बाद में मेरे को इसमें से ब्लू मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए अगर मैं वेट पे मर्ज करती हूँ इस तरीके से तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इनटू ईच अदर, तो उसके ऊपर ही मेरे को करना है इस तरीके से। जब मेरे को मर्ज करना है तो उसके ऊपर से स्टार्ट करना है ताकि वो एक दूसरे में मिक्स हो सके कलर्स हमारे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में वो एक थर्ड शेड आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद में इसी टेक्निक को अगर मैं आपको वेट पे करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, पहले मैं वेट पे पानी डाल लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने फर्स्ट कलर लिया, देखो ऑटोमेटिकली खुद भी ये कलर बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। फिर मैंने सेकंड कलर लिया एंड ये मैंने इसमें किया, तो आप वो देखो अपने आप मर्ज हो रहा है जो उसके अंदर नहीं हो रहा था ड्राई के अंदर। तो अगर आपको अपने आप कलर्स को मर्ज करना है तो आपको वेट ऑन वेट टेक्निक यूज करनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि आपके कलर्स मर्ज ना हो, कई बार हम लोग कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं जिसके अंदर दोनों कलर्स मिक्स नहीं होने चाहिए, तो उसका टेक्निक ये होता है, आप वेट ऑन वेट करो या ड्राई ऑन वेट करो डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन उसमें ये होगा कि अगर मैंने मान लो फर्स्ट लेयर बना लिया अपना, तो आई विल हैव टू वेट कि मेरा फर्स्ट लेयर कम्प्लीटली ड्राई हो तभी मैं सेकेंड लेयर उसके अंदर लगाऊंगी, नहीं तो वो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर मैं ड्राई पे भी कर रही हूँ तो वो मर्ज होगा। अब जैसे ये लीफ ऑलरेडी बनी हुई है पहले से और ये ड्राई हो चुकी है कम्प्लीटली, अगर मैं इसके ऊपर अब मैं इसके साइड में यहाँ पे पिंक कलर लगाती हूँ तो ये आप देख सकते हो उसमें मर्ज नहीं हो रही है, ये उसके साइड में सेपरेटली हमारा कलर नज़र आ रहा है। तो दिस इज वॉट इज नोन एज नॉट मर्जिंग द कलर्स। अगर आपको बहुत बार ऐसा होगा पेंटिंग में कि आप कलर्स मर्ज नहीं करना चाहते हो तो आपको वेट करना है कि फर्स्ट कोट कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर सेकेंड कोट हम लोग करेंगे। इसके बाद में एक और बहुत अच्छा टेक्सचर क्रिएटिंग का तरीका होता है, ये जैसे ओम्ब्रे इफेक्ट हमने इसके अंदर लेके आए थे, इसमें मैंने इस तरीके से थोड़ा पानी ऐड करना है। पहले अपनी शीट पे वेट कर ली मैंने पूरी शीट, इसके बाद में कोई भी एक पर्टिकुलर कलर मैंने लिया इस तरीके से, पूरा करने के बाद में पिगमेंटेशन अच्छे से स्प्रेड कर लिया मैंने इसको। अब मैंने क्या करना है, अपने ब्रश पे लेना है पानी और इस तरीके से डैब कर देना। सो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और करके दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने लिया, इसमें हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, ये मैंने ब्लू का शेड ले लिया है, प्रॉपरली इसको डार्क अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें पानी लेना है एंड टैप, ये आप देखो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा एंड एक डिफरेंट इफेक्ट उस पर क्रिएट हो जाता है। सो ये भी एक वाटर कलर का इफेक्ट है और ये जो इफेक्ट्स हैं ये वाटर कलर में ही स्पेसिफिकली बनते हैं, हम लोग इन इफेक्ट्स को एक्रिलिक्स में नहीं बना पाते, तो दैट्स वाई दीज आर वेरी यूजफुल। अब इसके अलावा कि मैंने कोई पर्टिकुलर मान लो अगेन एक लीफ का शेप दे दिया इसके अंदर, पहले प्रॉपरली वेट कर लिया है, अब मेरे को इसमें डार्क एंड लाइट के जो शेड्स देने हैं वो अगर करने हैं तो मैंने पहले ज़्यादा पिगमेंट लिया है एंड मैंने इसको मूव किया है। अब विदाउट पिकिंग अप एनी अदर पिगमेंट मैंने ब्रश क्लीन किया एंड इसमें आप ड्राई ब्रश भी यूज कर सकते हो, अगर आप ड्राई ब्रश यूज करते हो तो वो थोड़ा सा और भी लाइट स्प्रेड होगा लाइक दिस। अब आप इसमें क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो दोनों साइड्स में।
सो दिस इज हाउ यू गेट ओम्ब्रे इफेक्ट. जो हम ओम्ब्रे इफेक्ट लेके आते हैं लाइट टू डार्क, वो इस तरीके से ड्राई ब्रश की हेल्प से बहुत ईजिली आ जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं. इसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं जो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको आ जाती हैं, बट ये बेसिक टेक्निक्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी वाटर कलर पेंटिंग बहुत आसानी से बना सकते हो.